अस्सलाम वालेकुम टीयर बर्ड्स पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम पिजन्स पे बात करेंगे और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी कि इनका क्या सिनेरियो होता है। तो मैंने अभी दाना डाला तो सोचा आज की वीडियो बना लूं, तो वीडियो का टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सामने आप मेरे मतलब बर्ड्स देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल मेरे ब्रीडर बर्ड्स हैं और मैंने अभी दाना डाला तो ये देखें किस तरह दाने पे दाना खा रहे हैं ना। तो सामने एक फीमेल आपको एग पे बैठी हुई नज़र आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं बात कि पिजन्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दुनिया में पिजन्स की बे इंतहा टाइप्स हैं कि अगर उनको गिनना शुरू कर दिया जाए तो हम वीडियो शायद कभी पूरी ना हो सके। लेकिन आपके सामने कैमरे में जितने भी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सारे फैंसी बर्ड्स हैं और ये दूसरे रेसर बर्ड्स नहीं हैं। तो मैं फैंसी बर्ड का शौकीन हूँ और साथ में इसका एज़ अ बिज़नेस भी इसको लेके चल रहा हूँ, तो ये एज़ अ बिज़नेस भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये फैंसी बर्ड्स हैं। तो एक आपको शुरू में एक बात बताऊँ कि जैसे अभी दाना डाला है आप देख रहे होंगे सारे बर्ड दाना खा रहे हैं, सारे बर्ड दाना खा रहे हैं, शाम का दाना है। तो अगर कोई बर्ड दाना डालें आप और वो दाने पे ना आए तो ये साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि आपका वो बर्ड बीमार है जो बर्ड दाने पे नहीं आ रहा। तो ये देखें किस तरह लड़ झगड़ के भी दाना खा रहे हैं। तो जो बर्ड दाने पे नहीं आता वो बीमार होता है, ये एक बीमारी की निशानी है। तो बेसिकली अगर पिजन्स पे बात की जाए तो जो है ना कबूतर एक सख्त जान परिंदा है, ये ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकता है और बहुत ज़्यादा सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मौसमी दबाव से इसे बचाना तो हमारा बचाना तो हम फ़र्ज़ है, हम पे हमारी ज़रूरी है इसको बचाना, तो बचाना तो पड़ता है। ज़्यादा गर्मी से भी बचाना पड़ता है, ज़्यादा सर्दी से भी बचाना पड़ता है। लेकिन ये है कि एक सख्त जान परिंदा है, ये किसी भी मौसम में ईज़िली सर्वाइव कर सकता है और आप इसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। अभी सर्दियाँ ही हैं तो मैंने मतलब शीट वगैरह लगाई है दरवाज़ों के आगे पीछे विंडोज़ में, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसे किसी भी मौसम में किसी भी जगह रख सकते हैं, इजीली छत पे भी रख सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी एज की। तो पिजन्स की एज काफ़ी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे परिंदों के मुकाबले में। तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से 17 साल तक का भी बर्ड देखा है, तो इससे ज़्यादा एज वाले भी बर्ड होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो देखना ये है कि ये बर्ड ब्रीड कब तक करते हैं, अब ये बात कर लेते हैं। तो ब्रीड डिपेंड करती है इसके खुराक पे कि हम इसे कौन सा दाना देते हैं। तो मैं इन्हें मिक्स दाना देता हूँ, जैसे दाल दाना, जिसमें दाल दाना शामिल होता है, जिसमें 4-5 किस्म की दालें हैं, सूरजमुखी, कुर्तम, बाजरा, भांग का बीज और सरसों, इस तरह बहुत सारी दूसरी चावल और इस तरह कई चीज़ें और भी शामिल होती हैं। तो इसके दाने पे एक अलग से वीडियो करेंगे। तो अब भी बात कर लेते हैं मेल फीमेल की पहचान की। मेल फीमेल की पहचान बच्चों में करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बड़े बड़े जो शौकीन हैं उनका भी मतलब अंदाज़ा गलत हो जाया करता है। तो इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि बच्चों में मेल और फीमेल का फ़र्क कौन सा है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, क्योंकि जो मेल होता है वो गुटकता है, आवाज़ करता है, लेकिन फ़ीमेल आवाज़ नहीं करती। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी ब्रीड की। तो ये ऑलमोस्ट पूरा साल ही ब्रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में जाके ये कहीं रुकते हैं या साल में एक बार ये मोल्टिंग में आते हैं, जिसको हम पंजाबी में झाड़ा कहते हैं, जिसमें इनके पर गिरते हैं और फिर नए फीडर्स निकलते हैं। तो उस वक्त ही ये रुकते हैं, उसके अलावा ये नहीं रुकते। जब ब्रीड करते हैं 2 अंडे देते हैं, 100 में से कोई एक पेयर हो सकता है जो कभी कभार शादो नादर 3 अंडे भी दे देता है, लेकिन बच्चे 2 में से ही निकलते हैं। तो ये 2 अंडे ही देते हैं, 2 में से 2 बच्चे निकलते हैं और 99% वो मेल फीमेल यानी जोड़ा ही निकलता है। बहुत कम होता है कि 2 मेल निकल आए या 2 फीमेल्स निकल आएँ। तो जब ये अंडे देते हैं तो अंडों पर दोनों बैठते हैं, कभी मेल कभी फ़ीमेल, और 19 से 21 दिन के अंदर अंदर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और बच्चे 40-45 से 50 दिन के अंदर सेल्फ हो जाते हैं, यानी खुद खाने पीने लग जाते हैं, जो उनको माँ बाप से अलग किया जा सके। तो ये थी इनकी ब्रीड के हवाले से। और गर्मी सर्दी ये दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं। और दाना मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ,
तो इनमें एग वगैरह देने से कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, मेल अनफर्टाइल भी हो जाते हैं। तो उसका जो है ना इलाज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी को फिर भी ना पता चले तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसके साथ जो है ना वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। और आज पाकिस्तान में ये कमर्शियल आइटम हो चुकी है, जो हर घर में पाई जाती है, हर दूसरे घर में पाई जाती है। इसे इसकी सेल परचेज भी बहुत आम हो चुकी है पाकिस्तान में, तो आप इसे एज अ साइड बिजनेस ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा साइड बिजनेस है, अगर इसको साइड बिजनेस के भी हवाले से देखा जा सके। और इसके अलावा ब्रीड पर बात हो गई है, चिक्स के बारे में भी बात हो गई है, कैल्शियम की कमी और जो है मेल का अनफर्टाइल होना, उस पर भी बात हो चुकी है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रह गया होगा ना, लेकिन अगर आपके दिल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे उसको मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट सी बनाई थी पिजन के ऊपर, शॉर्ट सा जो है ना। अच्छा एक और बात रह गई कि ये ब्रीड कितने एज में करते हैं, जो होता है ना बर्ड चिक होता है वो जब 6, 6.5 और कुछ 6, 6.5 मंथ की एज में ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बर्ड लेट भी करते हैं। जैसे वीडियो में आपके सामने ये कुछ वाइट के पेयर फ्रिल बैक के नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इनके जो बच्चे हैं ये साल के बाद जाके कहीं ब्रीड शुरू करते हैं। तो इनके अंदर एज की पहचान कलियों से की जाती है, 0 कली से लेकर 10 कली तक जो है ना हम इसकी एज की पहचान कर सकते हैं। कलियां कैसे गिनते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह जल्दी चैनल पे आएगी। लेकिन अगर 10 कली के बाद हम 10 कली का जब बर्ड हो जाता है तो वो ब्रीड स्टार्ट कर देता है, उसके बाद जो एज का अंदाज़ा लगता है वो इनकी आई रिंग से लग जाता है कि कितना बड़ा बर्ड है और कितना नहीं। तो रही बात ब्रीड की, तो ये ब्रीड काफ़ी अर्सा तक करते हैं अगर आप इनको अच्छी फीड दें, कैल्शियम और इनकी सेलेनियम और विटामिन ई की कमी को पूरे करते रहें और अच्छी फीड पर ध्यान दें, तो साफ़ सुथरी चीज़ दें, अच्छी केयर करें इनकी, तो ये ब्रीड मतलब लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।